नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेजेस आए कि सर, जो आपने कल इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम जो भी बताया और जो भी उसके रूल्स बताए, वो सब चीज़ समझ में तो आ गया, लेकिन उन लोगों की क्वेरी क्या आ रही है मेरे को कि सर, क्या होता है कि हम कैंडल्स के ऊपर ध्यान देंगे, साथ में हम ऑप्शन चेन के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, हम दे देंगे ध्यान, लेकिन उनकी स्टिल एक क्वेरी है कि हमको कुछ एक ऐसा इंडिकेटर बता दो जो कि हमको हेल्प कर सके कि हम इस सिस्टम के साथ उसको ऐड कर सके। देखिए, ये सिस्टम तो टेस्टेड सिस्टम है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कल की लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, कैसे ये काम करता है, इसके ऊपर कैसे आपको ब्रेकआउट मिलेगा, मार्केट की दिशा कैसे आपको पहले से पता लग जाएगी इस सिस्टम के ऊपर, उस सब मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। तो कल की वीडियो मैंने यहाँ पे कल जो लाइव स्ट्रीमिंग किया था, तो आज की वीडियो के अंदर अगर हम इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस सिस्टम को अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके साथ केवल और केवल एक ही इंडिकेटर है जो कि आप लगा सकते हो, बाकी कोई इंडिकेटर अगर लगाओगे तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा और उतना अच्छा सिग्नल नहीं देगा। तो अगर आप इस सिग्नल इस सिस्टम के बेसिस के ऊपर जो हमने कल डिस्कस किया था और डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो, डाटा को पॉइंट ऑफ व्यू हर 15 मिनट बाद चेक कर रहे हो या फिर हर 10 मिनट बाद जैसा कि हमने बात की थी वैसे चेक कर रहे हो, सारे डाटा पॉइंट्स आप क्रॉस वेरीफाई करते जा रहे हो और पूरे 6 घंटे इंट्राडे के लिए आप इस सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हो, तो हम आज आपको एक इंडिकेटर बता रहे हैं। केवल एक ही इंडिकेटर लगाना है, कोई भी नया इंडिकेटर नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको इसके अंदर, पहली चीज तो ये कि हम इंट्राडे के अंदर 2 टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, 2 टाइम फ्रेम, जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको 2 टाइम फ्रेम में यूज करना है और 2 टाइम फ्रेम एक ही स्क्रीन पे खोलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर डबल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर निफ्टी का जैसे कि चार्ट खुल जाता है 2 टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक चार्ट जो है वो 15 मिनट का कर लेना है। इंट्राडे में 15 मिनट का काम है ना, 15 मिनट का कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड का चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया और ये चार्ट जो राइट हैंड साइड का है इसको कर लो आप 5 मिनट का। ठीक है, ये अब हो चुका है कि भाई 15 मिनट का और 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इसका बेनिफिट देखिएगा, क्या बेनिफिट है। पहले हम इंडिकेटर लगा लेते हैं, किस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ। केवल और केवल एक ही इंडिकेटर लगाना है, जितने ज्यादा इंडिकेटर लगाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा और उतने ज्यादा रॉन्ग सिग्नल मिलेंगे आपको और आपके डिसीजन भी उतने ज्यादा गलत होंगे। याद रखना, इंट्राडे में डिसीजन गलत होना मतलब एक क्राइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ही इंडिकेटर लगाना है, वो इंडिकेटर क्या है, ये आपको इंडिकेटर इन्वेस्टिंग पे मिलेगा, ईएमए क्रॉस। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस, इसको हम दोनों साइड लगा लेंगे। इस पे लगा लिया, अब हम इस पे भी लगा लेते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ईएमए क्रॉस, और देखिए ये कितने अच्छे से काम करता है। याद रखना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले ना इसके अंदर जो है ये इसकी सेटिंग चेंज करनी है। वो सेटिंग क्या रखनी है, ख्याल रखना कि सेटिंग को ऐसे ही रखना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो रखना है शॉर्ट साइड की जो रखनी है वो रखनी है 5, लॉन्ग साइड की रखनी है 9। स्टाइल के ऊपर जाओ, शॉर्ट साइड रेड वाली है तो इसको थोड़ा बड़ा करो ताकि आपको विजिबल हो लाइव मार्केट के अंदर, और लॉन्ग साइड का है आपका ग्रीन कलर का। ठीक है, और क्रॉस आपका ये बना ही हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या इनपुट लिया, 5 और 9, और शॉर्ट ये मतलब विजिबल करने के लिए इसके टैब आगे फर्दर स्लाइड कर दिए। अब देखो यहाँ पे आप विजिबल हो जाएगा आपको ये, इसको ऐसे भी इसकी भी सेटिंग चेंज कर लो, इनपुट जो है चेंज कर लो, 9:26 लिखा हुआ है इसको चेंज कर लो आप 5 और 9,
और स्टाइल चेंज कर लो, ठीक है, ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंट्राडे में कैसे यूज करना होता है ध्यान से समझना। देखो होगा क्या, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपका 11,400 के ऊपर कॉल राइटिंग है, कल बताई थी ना मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर, इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको पूरा सेटअप समझ में आ जाएगा। इसके जो रूल्स हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। अब सपोज करो कि आपको इस सेटअप के हिसाब से आपकी कॉल राइटिंग मिलती है आपको 11,400 के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, 11,400 के ऊपर मार्केट का जाना, सस्टेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन लेकिन आपको शॉर्ट साइड में एंट्री कब बनानी है ध्यान रखना, इस सेटअप के हिसाब से, जब जब आपका ये एमए क्रॉस की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो एमए क्रॉस की जो वैल्यूज हैं वो आपकी क्रॉस हो जाएंगी, कैसे और वो क्रॉस कैसे होंगी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो रेड लाइन जो है वो हमारी 5 डेज का मूविंग, 5 डेज का ईएमए है, 5 पीरियड का ईएमए है, और ग्रीन कलर का है हमारा 9 डेज का ईएमए, ठीक है। अब जब ये क्रॉस होती है, मतलब एक्सचेंज होती है, मतलब ऊपर की लाइन नीचे आती है और नीचे की लाइन ऊपर जाती है, जब ये क्रॉस होती है तब जब आपको ये क्रॉस साइन मिलेगा, ठीक है, ये क्रॉस साइन मिलेगा आपको, जैसे कि यहां पर भी मिल रहा है, यहां पर, यहां पर, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर सपोज करो कि आपने सेटअप चेक किया ऑप्शन चेन के ऊपर, जो हमने चर्चा की थी कल की वीडियो में, ये आपका 11,400 के ऊपर रेसिस्टेंस बना हुआ है क्योंकि कॉल राइटर एक्टिव है, ऑप्शन चेन के ऊपर आपने देखा, अब आपको फ्रेश, अब आपको समझ में आ जाएगा भाई कॉल राइटिंग एक्टिव है 11,400 के ऊपर, तो अपने को बुलिश पोजिशन नहीं बनानी है, पहली चीज तो ये। लेकिन बेरिश पोजिशन कब बनानी है, जब आपका कम से कम 5 मिनट के ऊपर और 15 मिनट के ऊपर, दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर आपका ये क्रॉस दिखे, जो ये क्रॉस है ना वो होता हुआ दिखे, मतलब यहाँ पे अगर क्रॉस दिखेगा और यहाँ पर भी क्रॉस दिखेगा आपको 5 और 15 मिनट दोनों के ऊपर, ये 15 मिनट का है, ये 5 मिनट का ऊपर है, तो दोनों के ऊपर जब आपको क्रॉस होता हुआ दिखेगा तभी पोजिशन बनानी है, अदरवाइज पोजिशन नहीं बनानी है, ठीक है। तो यहां पर सपोज करो ये रेसिस्टेंस है 11,400 का, ठीक है, सपोज करते हैं 11,400 का रेसिस्टेंस है, तो अब होगा क्या, कॉल राइटिंग हैवी है, आपने चेक कर लिया, अब आपको ट्रेड लेने से पहले ये क्रॉस जो है बनने चाहिए आपके, जैसे ये क्रॉस, अब देखो रेंज बाउंड मार्केट थी पूरे दिन, वहां पर जब कोई ट्रेंड ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, वहां पर आप इंडिकेटर आपका काम नहीं करेगा, और वहां पर ऑप्शन चेन भी आपको ये बता रही थी कि रेंज बाउंड मार्केट है, तो आप वहां पर ट्रेंड में नहीं हो और कोई ट्रेंड नहीं होगा तो आप पैसा नहीं कमा सकते, ये एक सच्चाई है मार्केट की। लेकिन जिस दिन मार्केट ट्रेंड में होगा दोस्तों, उस दिन क्या होगा कि अगर कॉल राइटर एक्टिव रहेंगे तो यहाँ पर 11,400 के आसपास जब आप एक लाइन खींच लोगे, अपने लेवल्स की लाइन खींच लोगे, तो आपको दिखेगा कि रेसिस्टेंस वहां पे मार्केट फेस कर रहा है, तो क्या होगा, पहले 5 मिनट के ऊपर आपको क्रॉस मिलेगा होता हुआ, ये एमए क्रॉस वाला जो क्रॉस है, ये क्रॉस की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद आपको वेट करना है कि 15 मिनट के ऊपर भी आपको क्रॉस होता हुआ मिले, एंड व्हेन यू विल फाइंड के इंडिकेटर के ऊपर दोनों क्रॉस मिल चुके हैं, इट मीन्स नाउ यू हैव टू टेक द एंट्री, नीचे की तरफ वाली एंट्री, एंड देन यू विल फाइंड दैट वेरी गुड ट्रेंड टू द डाउन साइड, ठीक है। एंड अगेंस्ट दिस अगर आपको ये सपोर्ट के आसपास मिल रहा है, 11,300 का सपोर्ट है सपोज करते हैं, तो यहां पर 5 मिनट के ऊपर भी आपको क्रॉस मिलेगा नीचे के लेवल के ऊपर, और 15 मिनट पे भी मिलेगा, तो इट मीन्स यू हैव टू टेक द बुलिश एंट्री नियर द सपोर्ट, सपोर्ट के आसपास आपको बुलिश एंट्री लेनी है जब भी आपको दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्रॉस मिलेगा ये होता हो, और ये क्रॉस अपने आप मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये क्रॉस कब होता है, जब ये जो वैल्यूज हैं 5 मिनट की और 15 मिनट की, सॉरी जो हमने यहाँ पे पीरियड डाले थे 5 और 9 का, जो पीरियड की वैल्यू है रेड वाली जो है 5 पीरियड की वैल्यू है, और
और ये ग्रीन वाली जो वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है आपकी क्या कहते हैं 9 पीरियड की। एंड जब यहाँ पर बुलिश होगी मार्केट तो रेड वाली ऊपर चली जाएगी और ग्रीन वाली नीचे आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम जो है EMA क्रॉस है। तो अगर बुलिश मार्केट है तो क्रॉस रहेगा, क्रॉस होने के बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा और वहां पर ये ऊपर चला जाएगा आपका रेड कलर का लाइन, रेड कलर की वैल्यू जो है ऊपर रहेगी और ग्रीन कलर की वैल्यू नीचे रहेगी। इट मीन्स कि यहाँ पर क्रॉस आपका नहीं होगा और मार्केट बुलिश ही रहेगा। देखिए यहाँ पर क्रॉस हुआ नहीं था परसों, ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर भी नहीं गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत संभावना बनी थी लाइव मार्केट में कि यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे क्रॉस बिल्कुल संभव था, इसलिए मैंने वहां पे बेयरिश ट्रेड लिया था, लेकिन ये क्रॉस सक्सेसफुल नहीं हो पाया जिसकी वजह से मार्केट नहीं नीचे गिरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर जब आपका क्रॉस मिल जाएगा और एक ही साइड का क्रॉस मिले, यानी कि यहाँ पर बेयरिश क्रॉसओवर मिले और यहाँ पर भी बेयरिश क्रॉसओवर मिले, देन इट इज द कंफर्म्ड ट्रेड एंड यू कैन टेक योर एंट्री एंड स्टिल मतलब यू हैव टू रिकॉर्ड योर डाटा एंड योर रिकॉर्डिंग ऑफ योर डाटा विल गिव यू द कॉन्फिडेंस ऑल्सो, क्योंकि आपने डाटा चेक किया, आपने एंट्री बनाई इंडिकेटर के हिसाब से, तो आपकी एंट्री जो है भरोसेमंद रहेगी, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो मैंने एंट्री बनाई है वो मैंने डाटा पॉइंट चेक करने के बाद बनाई है, इसीलिए ये आपका एक भरोसेमंद इंडिकेटर हो जाएगा और ये इंडिकेटर मार्केट का आपको पूरा का पूरा ट्रेंड कवर करके दे देगा। देखते हैं कैसे, दिखाता हूं मैं। देखिए यहां पर आपको क्रॉस दिख रहा होगा 15 मिनट के ऊपर, चेक करते हैं। यहां पे ये क्रॉस हुआ, क्रॉस दिखा 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद कोई भी क्रॉस नहीं दिखा, यहां पर क्रॉस दिखा पे डायरेक्टली, ठीक है। तो यहां पर पुट राइटर्स एक्टिव थे, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर कहां तक गया, यहां तक गया। कितना पॉइंट का आपको मिला, मतलब अगर ये एक एक दिन की रैली है, अगर उसी दिन की रैली माने तो यहां से क्रॉस मिला और यहां तक क्रॉस नहीं हुआ, एंड यू कैन होल्ड योर ट्रेड ऑल्सो टिल द टाइम द क्रॉस इज नॉट फॉर्मिंग, यानी कि जब तक आपको अगला क्रॉस नहीं मिले इंट्राडे के अंदर भी 15 मिनट के ऊपर, तब तक आप होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है इस इंडिकेटर का, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर मिला था, यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर यहाँ तक इंट्राडे था, आजकल हम बात इंट्राडे की ही कर रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक आपको कम से कम 200 पॉइंट मिल जाते अगर आप इसी क्रॉस के बेसिस के ऊपर डिसीजन लेते तो, और ये 15 मिनट के ऊपर तो आपको एक अच्छा ट्रेंड पकड़ा के दे देगा, ये कंफर्म है। और आपको एंट्री कहाँ बनानी है वो भी बता देगा आप, ठीक है। और साथ में जब क्रॉस होता है तो ये वैल्यूज को चेक कर लिया कीजिए, बुलिश ट्रेड के अंदर 5 डे ऊपर रहता है और ग्रीन जो है 9 डेज का वो नीचे रहता है, और बेयरिश ट्रेंड के अंदर 9 डेज का ऊपर रहता है और रेड रेड का नीचे रहती है वैल्यू। जैसे कि अभी अगर हम करंट सिनारियो के अंदर देखें, अगर हम करंट सिनारियो के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आप चेक करो कि क्योंकि मार्केट बुलिश थी, मतलब बुलिश तो नहीं, मतलब रेंज बाउंड है लेकिन बेयरिश तो नहीं है कम से कम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है आपको 4 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब ये ज्यादा है, 5 डेज का मूविंग एवरेज जो है EMA जो है ज्यादा है और 9 दिन का कम है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश मानेंगे चाहे वो ऊपर ना जा पाए, लेकिन हम वहां पे बेयरिश ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फायदा, मतलब ये फायदा है आपको इस इंडिकेटर को यूज करने का, और साथ में इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत फायदा मिलेगा आपको इस वीडियो को देखने का, और आपको पूरा समझ में आएगा मार्केट चलता कैसे है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको यहाँ पर फायदा मिलता रहे, अपडेट मिलती रहे टाइमली, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद।
वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।